दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राज्यसभा में 3 आपराधिक विधेयक हो गए पारित। गृह मंत्री अमित शाह बोले, अब तारीख पर तारीख का दौर खत्म हो जाएगा। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा ने 3 आपराधिक विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पारित कर दिए। राज्यसभा ने चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद तीनों विधेयकों को ध्वनि मत से अपनी स्वीकृति दे दी। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। बता दें कि ये विधेयक राज्यसभा में ऐसे समय पारित हुए हैं जब उच्च सदन से 46 विपक्षी सांसदों को उनके अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित किया जा चुका है। अमित शाह ने कहा कि 3 आपराधिक कानूनों के स्थानों पर लाए गए विधेयकों के संसद से पारित होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक नई शुरुआत होगी जो पूर्णतः भारतीय होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इनके लागू होने के बाद अब तारीख पर तारीख का दौर खत्म हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए की गई स्थगित। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। वैसे संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी और ये 22 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाते समय सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कई केंद्र मंत्री और कई राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में 14 बैठकें हुई जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और कुल मिलाकर 18 सरकारी विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। आपको बता दें कि फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले 3 और विपक्षी सांसद किए गए निलंबित। अब तक 146 सांसदों पर हुआ एक्शन। दरअसल लोकसभा से 3 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। लोकसभा स्पीकर ने सदन की अवमानना को लेकर कांग्रेस के सांसद नकलनाथ, डीके सुरेश और दीपक बैज को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। इसी के साथ निलंबित सांसदों की संख्या बढ़कर अब 146 हो गई है। इनमें कुल 100 सांसद लोकसभा के हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल समाप्त होते ही तीनों सांसदों का नाम लेते हुए कहा कि आप बार बार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कागज फाड़कर लोकसभा कर्मियों पर फेंक रहे हैं। यह सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। आपको बता दें कि फिलहाल आज लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले 3 और विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब निलंबित सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 146 हो गई है। अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन पर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, बीजेपी ने संसद को बना दिया शमशान, इन्हें राम का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। दरअसल शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस प्रकार से विधेयक पारित किए जा रहे हैं, सामने विपक्ष नहीं है, मनचाहे तरीके से विधेयक मंजूर करना ये लोकतंत्र की रीत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। 146 सांसदों को जिस बेरहमी से निकाल दिया गया, हम जाएंगे, मार्च निकालेंगे और प्रदर्शन करेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय उसने बीजेपी पर संसद को, जिसे उन्होंने लोकतंत्र का मंदिर कहा था, शमशान में तब्दील करने और फिर वहां पर राम मंदिर का उद्घाटन करने की भव्य योजना बनाने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने 146 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के अभूतपूर्व निलंबन पर तीखी प्रतिक्रिया में संजय राउत ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल ही के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उन्मत्त हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले आप लोकतंत्र के मंदिर हमारी संसद को शमशान में बदल देते हैं और फिर अयोध्या में राम मंदिर का बड़े धूमधाम से उद्घाटन करने की योजना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरीके के दोहरेपन में कभी भी शामिल नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि आपको भगवान राम का आशीर्वाद कभी भी नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, पूरा विपक्ष मिलकर आज देशभर में संसद बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा देकर करेगा जोरदार प्रदर्शन। दरअसल संसद से विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। निलंबित सांसदों ने गुरुवार को संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकालकर अपना आक्रोश जताया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर अपमान करने के मामले को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। आपको बता दें कि पूरा विपक्ष मिलकर आज देशभर में संसद बचाओ, लोकतंत्र बचाओ
का नारा देकर जोरदार प्रदर्शन करेगा। ऐसे में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एबीपी न्यूज से कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे सांसदों को निलंबित किया गया है जिन्होंने कभी हंगामा ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि 40 साल के इतिहास में इन सांसदों ने कभी शोर शराबा भी नहीं किया, वो कभी संसद से निलंबित भी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि प्रमोद तिवारी, फारूक अब्दुल्ला और जयराम रमेश सभी भले सांसद हैं, उनको भी संसद से सस्पेंड कर दिया गया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश की संसद का मजाक बनाकर रख दिया है। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के विरोध में बीजेपी ने किया जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी और टीएमसी सांसद का फूका पुतला। दरअसल संसद पर हमले के मामले में विपक्ष लगातार तीखे सवाल पूछते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई सांसदों को निलंबित कर दिया। इस दौरान टीएमसी और कांग्रेस नेताओं द्वारा उपराष्ट्रपति की नकल करते हुए उनकी मिमिक्री की गई। विपक्षी नेताओं की इस हरकत को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जाटों का अपमान और पद की गरिमा के खिलाफ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने भी सभापति के अपमान को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन के दौरान हाथों में बीजेपी का झंडा लिए पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के नेता और कार्यकर्ता रीगल तिराहा स्थित गांधी प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए, जहां राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन को लेकर बीजेपी के खिलाफ आज राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी करेगी जोरदार प्रदर्शन। दरअसल आज राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। लोकसभा में सांसदों के खिलाफ हुई निलंबन की कार्यवाही के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इस आंदोलन में सभी जिलों के कांग्रेस नेता और समर्थक भाग लेंगे। कांग्रेस के आज होने वाले इस आंदोलन को लेकर सियासी गलियारों में एक नई चर्चा भी छिड़ गई है। इस विरोध प्रदर्शन में क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल होंगे, इसको लेकर भी चर्चा जारी है। फिलहाल ये तय नहीं है कि दोनों में से कौन शामिल होगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान में आज मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जिन पर सांसदों को संरक्षण देने का जिम्मा है वे दलगत राजनीति कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिन लोगों पर सांसदों के संरक्षण की जिम्मेदारी है वो दलगत राजनीति का हिस्सा बनकर तथा जाति क्षेत्र और व्यवसाय को ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं और दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं। उनका निशाना राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर था। जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के विवाद तथा विपक्षी सांसदों के निलंबन का हवाला देते हुए उन्होंने ये आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की यहां बैठक में अपने शुरुआती संबोधन में ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर ठोस रणनीति बनानी होगी तथा समान विचारधारा वाले दलों के साथ में मिलकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी ताकि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़कर फेंका जा सके। अगली बड़ी खबर, अब एयरपोर्ट जैसी होगी संसद भवन की सुरक्षा, CISF को तैनात करेगी सरकार। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद भवन परिसर में सुरक्षा में हुई चूक की हालिया घटना के मद्देनजर इसकी व्यापक सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सौंपने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। CISF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो वर्तमान में परमाणु और एरोस्पेस डोमेन के अंतर्गत प्रतिष्ठानों, असैन्य हवाई अड्डों और दिल्ली मेट्रो के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में कई केंद्रीय मंत्रालयों के भवनों की सुरक्षा करता है। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब संसद भवन की सुरक्षा CISF करेगी। बड़ी खबर, अब जेब कतरा वाली टिप्पणी पर बुरे फंस गए राहुल गांधी। हाई कोर्ट ने दिया राहुल गांधी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जेब कतरा कहने वाले बयान पर राहुल गांधी अब बुरे तरीके से घिर गए हैं। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ नियम के मुताबिक कड़ी कार्यवाही की जाए। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में गौतम अडानी का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी और उन्हें जेब करार दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कथित बयान ठीक नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग मामले की जांच करे। इस संबंध में यहां तक कि राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने आदेश दिया ये मानते हुए कि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है। अदालत चुनाव आयोग को मामले की उचित कार्यवाही का निर्देश देती है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की बैठक में जोर शोर से उठी भारत जोड़ो यात्रा की मांग। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी। दरअसल जनवरी के दूसरे हफ्ते से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करेंगे। ये यात्रा अरुणाचल से गुजरात तक निकाली जाएगी। गुरुवार को CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण बात कार्य समिति के समक्ष रखना चाहता हूं। पिछले कई महीनों से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में लगातार एक मांग मेरे सामने रखते हैं कि राहुल गांधी से पूर्व से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा करने का आग्रह करें। मैं कार्य समिति में राहुल गांधी के समक्ष ये बात रखता हूं और निर्णय आप सभी पर छोड़ता हूं। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार से यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय और अन्य नेताओं ने मां शाकुंभरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सहारनपुर जिले में यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें कि ये यात्रा लंबी चलेगी। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा की मांग हो रही है। आपको बता दें कि फिलहाल CWC की बैठक में भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मांग की गई। फिलहाल इसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी जनवरी के दूसरे हफ्ते से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के WFI अध्यक्ष चुने जाने पर बड़ा विवाद। रोते हुए पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से ले लिया संन्यास। दरअसल BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के कुश्ती महासंघ के यानी WFI के अध्यक्ष चुने जाने पर भारी विवाद खड़ा हो गया। दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला। साथ ही संजय सिंह के चुने जाने के विरोध में साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक नजर आ रही दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई में बहुत साल लगे। आज जो प्रेसिडेंट बना है वो उसके बेटे से भी प्रिय है, या फिर उसका राइट हैंड कह लीजिए। किसी महिला को भागीदारी नहीं दी गई। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। आपको बता दें कि फिलहाल रोते हुए साक्षी मलिक ने कुश्ती से त्याग पत्र दे दिया। अगली बड़ी खबर, पहलवान विनेश फोगाट ने भी दिया बड़ा बयान। बोली, हमने हर तरीके से कोशिश की लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। हमें नहीं पता कि देश में न्याय कैसे मिलेगा। दरअसल विनेश फोगाट ने कहा कि हमने हर तरीके से कोशिश की, तब दिल्ली की सड़कों पर भी बैठे। हमने क्लियरली नाम लेकर बताया था कि लड़कियों को बचा लीजिए। हमसे 3-4 महीने का वेट करने को कहा और कुछ नहीं हुआ। संजय सिंह को आज अध्यक्ष बनाया गया, उसको प्रेसिडेंट बनाना मतलब खिलाड़ी लड़कियों को फिर से शिकार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता कि देश में न्याय कैसे मिलेगा। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही साक्षी मलिक ने छोड़ी कुश्ती। WFI चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे ने जीते 15 में से 13 पद। दरअसल सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के नए अध्यक्ष बन गए। संजय सिंह के फेडरेशन चीफ बनते ही पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह बिजनेस पार्टनर हैं। वहीं संजय सिंह ने अपनी बड़ी जीत के बाद मीडिया से कहा कि देश के उन हजारों पहलवानों की जीत है जिन्होंने पिछले 7-8 महीनों में काफी नुकसान उठाया है। फेडरेशन के भीतर राजनीति के बारे में पूछे जाने पर संजय सिंह ने कहा कि हम राजनीति का जवाब राजनीति से और कुश्ती का जवाब कुश्ती से देंगे। आपको बता दें कि देर से हुए WFI चुनाव में संजय सिंह के पैनल ने ज्यादातर पदों पर आसानी से जीत हासिल की है। भारतीय कुश्ती महासंघ के गुरुवार को हुए चुनाव में संजय सिंह को 40 वोट मिले जबकि उनकी प्रतिद्वंदी अनीता सियोराण को 7 वोट मिले। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे ने 15 में से 13 पदों पर जीत हासिल कर ली है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण मिलने के बाद भी राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता। भाजपा को मिलेगा हिंदुत्व पर घेरने का एक और मौका। दरअसल राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को होने वाले इस आयोजन में करीब 8,000 लोगों की मौजूदगी होगी। इनमें दिग्गज कारोबारी, नेता, संत, सेलिब्रिटी शामिल होंगे। विपक्षी पार्टी कांग्रेस से भी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर चौधरी समेत कई दिग्गजों को निमंत्रण मिला है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के नाते मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को भी बुलाया गया है। इस बीच PTI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि शायद कांग्रेस के नेता इस आयोजन में नहीं जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इन लोगों को न्योता दिया गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने निमंत्रण दिया है। अगले कुछ दिनों में देश की कई राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को भी निमंत्रण दिया जाएगा।
ट्रस्ट के सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक दलों के प्रमुखों को बुलाया जा रहा है। इसके अलावा संवैधानिक पदों पर बैठे प्रमुख लोगों को और कुछ अन्य हस्तियों को भी बुलाया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग अखाड़ों संप्रदायों से ताल्लुक रखने वाले संतों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। यहाँ तक कि सिख बौद्ध और जैन पंथ के लोगों को भी बुलाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेताओं के कार्यक्रम में न जाने को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता यदि आयोजन में नहीं गए तो भाजपा इसे लेकर हमला बोल सकती है। पहले भी भाजपा कांग्रेस को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरती आ रही है और अब यदि कांग्रेस के नेता आयोजन में नहीं गए तो उसे नए सिरे से फिर से मौका मिल जाएगा। हालांकि अब तक कांग्रेस के किसी नेता का बयान इसे लेकर नहीं आया है। राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को निमंत्रण नहीं मिला है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के पास में फिलहाल केवल सांसद का ही पद है, इसीलिए उन्हें बुलाया नहीं गया। उनके स्थान पर पार्टी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा में लीडर अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता के तौर पर सोनिया गांधी को भी बुलाया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगी या नहीं होंगी, दिग्विजय सिंह ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भेजा गया हो, लेकिन उनके इसमें शामिल होने की संभावना नहीं है। अब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बताया कि सोनिया गांधी इस निमंत्रण को लेकर काफी पॉजिटिव है। दिग्विजय सिंह ने साफ किया है कि राम मंदिर के कार्यक्रम में या तो वो खुद जाएंगी और अगर नहीं जाती हैं तो फिर पार्टी का एक डेलीगेशन वहां जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि यह किसी पार्टी का ट्रस्ट नहीं है, यह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, इसमें जाने में हमें क्या आपत्ति है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी तो पॉजिटिव हैं, इस मामले में निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन जाएगा। जब दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया कि क्या उन्हें भी निमंत्रण मिला है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे क्यों देंगे, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं चाहे वे मुरली मनोहर जोशी हों या लालकृष्ण आडवाणी या मैं हूं, उनको निमंत्रण नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिया बड़ा बयान, बोले लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नहीं मिलेगा राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया है कि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी निमंत्रण नहीं देगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर बनाए जाने को लेकर आंदोलन करने वाले वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 22 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर उद्घाटन समारोह में आने का निमंत्रण पहले ही दे दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दे दिया गया है। राम जी के आंदोलन के बारे में बात हुई, दोनों वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वो आने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि इधर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सच्चे भक्तों को निमंत्रण नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी किया है कि मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को निमंत्रण नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों को निमंत्रण सबसे पहले ही दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में मची कलह है, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर करने की उठी मांग। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के जीतेगा पंजाब नाम से अलग रैली करने और पार्टी के ही नेताओं पर हमला बोलने से विवाद बढ़ गया है। प्रताप सिंह बाजवा समेत कई नेता अब नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हैं और एक्शन की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने मांग की है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन कर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।